आप कहां जाएंगे बच के? मेरे पास एक और रास्ता है तुम लोगों से बचने का, समझे? किसी ने सही कहा है, इंसान की कमजोरी को उपहारों के द्वारा पूरी की जा सकती है, जैसे उस अंधे को संगीत का तोहफा मिल गया है। मेरा भी कुछ अलग है, मैं सिर्फ आंखों से देखकर बता सकती हूँ कि कोई कितना लंबा है। एक दवा के रूप में शायद किसी को नहीं पता हो कि अपेंडिक्स क्या है, तो आप मेरे टैलेंट को अपेंडिक्स मान सकते हैं, लेकिन मेरा यकीन करो, ये टैलेंट मेरे लिए बहुत जरूरी है और मुझे अपने इस हुनर पर बहुत गर्व है। मुझे माफ करना, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा मेरे जैसा छोटा हो, मुझे इसका दर्द मालूम है। मैं झाली की तरह हूँ जहाँ बाकी सब पेड़ हैं, मेरी नजर में। एक अकेली औरत ऊपर से छोटे कद की होना काफी कठिन है। अपने ही घर में रह रही हूँ, पर इस चेयर की जरूरत ऐसे है जैसे शरीर में अंगों की। मेरे पति की हाइट कम से कम 185 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तभी मेरे बच्चे की हाइट 160 सेंटीमीटर से ऊपर होंगी, जैसे एक आम आदमी की हाइट होती है। लेकिन पहले एक बॉयफ्रेंड चाहिए। पति के बारे में सोचने से पहले मैं तो बस इसके बारे में सोच रहा था। तुम ची हो, है ना? हाँ, आपने टेरो टेलर को अपॉइंट किया है। एक्सक्यूज मी, क्या आप इसे टेबल पर बिछा सकती हैं? हाँ, तुम मुझसे कुछ विशेष रूप से पूछना चाहती हो क्या? मैं प्यार के बारे में जानना चाहती हूँ, मुझे जानना है कि मुझे मिलेगा हस्बैंड, है ना? हाँ, वैसा ही कुछ। मैं बस जानना चाहती हूँ कि क्या मुझे कोई प्यार करने वाला मिलेगा, और क्या वो 180 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा? उठाओ। बोने वाला कार्ड? क्या कहा? इसमें कोई बोना कार्ड नहीं है ना, क्योंकि मैं किसी बोने से शादी नहीं करना चाहती। तुम्हारा जीवन साथी सिर्फ वो इंसान है जिसके हाथ पर दिल का आकार हो। मैंने जो भी अभी देखा है उससे ये साफ जाहिर होता है कि तुम्हारे आने वाले समय में तुम अकेली रह जाओगी तुम्हारी जिंदगी के आखिरी वक्त तक। नहीं,
ये उन्होंने देखकर बताया। मैं एक आदमी से मिली थी जिसके हाथ पर दिल बना हुआ था। मैंने प्यार करना फिल्म और गाने से सीखा है, लेकिन अगर सच कहूँ तो उससे मिलने के बाद ही पता चला प्यार दिल से होता है। ओ, तुम्हें लगी तो नहीं ना? I'm so sorry, मैं हेल्प कर देता। मैं ठीक हूँ। ये एक नियति की तरह है। फा मेरा जूनियर था, वो मुझे ओरिएंटेशन के दिन से ही पसंद था। हमारी मुलाकात बहुत आम थी, जैसे 90s की फिल्मों की तरह। मैं तुम्हें देख क्यों नहीं पाया? मैं नॉर्मल लोगों की नजर में दिखती नहीं, थोड़ा झुककर देखना पड़ता है। हो सकता है। ये तुम्हारी बुक। थैंक यू। ठीक है, मैं चलता हूँ। उसके बाद हम एक दूसरे से काफी नजदीक आ गए। अब तक मैं जितने लोगों से मिली, फा सबसे परफेक्ट था। हाँ, मुझे पता है। हाँ, मैं ढूंढ रही हूँ उसे। हाँ, मैं बिल्कुल उसके बारे में सोचूंगी। वो मेरे बच्चों का बाप। हैशटैग प्यार। ओ, मुझे ये सोचकर बहुत अच्छा लगा। The process by which क्या था ये? The process by which Excuse me, Fa. मैं सोच रही हूँ कि ग्रेजुएशन के बाद रिपोर्टर बनूं। और तुम क्या सोच रहे हो? मुझे लगता है ग्रेजुएशन करने के बाद मैं एक डिटेक्टिव बनूंगा। क्या? क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ सच को जानना चाहता हूँ और उसी को खोजना चाहता हूँ। बात करो, तुम ये मौका नहीं खो सकती। कम ऑन फा। मुझे लगता है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तुमने कह दिया। तुम बहुत बकवास करती हो जी। शुक्रिया, तुम मेरे बारे में अच्छा सोचती हो, पर मुझे तुम पसंद नहीं हो। मतलब तुम वैसी नहीं हो जिसे मैं पसंद करूं। सच कहूं तो मुझे प्यार व्यार के लिए टाइम नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं वो दरवाजा हूं, तो इसे अभी के अभी बंद कर दो। मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता। मैं चलता हूं। इससे पहले मैंने दर्द फिल्म और गाने से सीखा है, अब मैंने दर्द इससे सीखा है। चलो अब देखते हैं आगे क्या होगा। क्या ये हाँ कहेगा? देखते हैं, हो सकता है इससे अच्छा ढूंढ लूं। सुंदर, लंबा और परफेक्ट। देखते हैं मिस्टर फा। 4 साल के बाद वहाँ पर एक व्यक्ति है जो खुद को मारना चाहता है। पुलिस उसे समझाने की कोशिश में लगी है। स्थिति बहुत खराब हो रही है, कृपया आगे देखें। तो आइए मेरे साथ। तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मेरी बात सुनो, मेरी माँ नीचे चिकन सूप बेच रही है। देखो, अगर तुम्हारा खून नीचे बह गया तो बताना मुश्किल हो जाएगा कि किसका खून है, फिर सूप नहीं बिकेगा। देखो, तुम चाहो तो बता सकते हो कि तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इस देश में हमारी जिंदगी कोई जिंदगी है क्या? बताओ, अगर मैं अभी नहीं मरता हूँ तो धीरे धीरे ये देश वैसे भी मार देगा। हम गरीबों से ये लोग टैक्स वसूल करते रहते हैं। इतना इंटेलिजेंट है ये। सुनिए, इधर आइए। सुनिए। देखिए, इसकी एक बेटी है, आप जो है इसकी बेटी बन जाइए। शायद ये अपना इरादा बदल ले और खुद को ना मारे। लाइए, ये मुझे दीजिए। चाहिए, कोशिश कीजिए। पापा, प्लीज खुद को मत मारिए, मैं कैसे जीऊंगी? पापा प्लीज, मैं पैसे कमाऊंगी पापा, मैं वादा करती हूँ, सच में, प्लीज पापा। लगता है बचा नहीं, इतने ऊपर से कूदने के बाद तो। स्टीव। जी सर। बताओ क्या हुआ है? वो बॉडी देखकर लगता है कि इसने आकाश से छलांग लगाई है। हाँ?
नहीं मतलब कि छत से छलांग लगाई है। और हाँ, इसके आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है तो पता नहीं चल रहा है कि आखिर यहाँ हुआ क्या था, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। सुना है कि कुछ झगड़ा वगैरह हुआ था यहाँ इसके साथ, लोगों को लगा कि ड्रैगन डांस है तो पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया किसी ने। तो ये कौन है? इसका नाम चैम्पो चुन है, ये 19 साल की है और ये 18 साल तक बैंकॉक में थी और मरने के पहले ये आइडल क्लब में काम करती थी। आइडल क्लब में? क्लब 17 में? नहीं पता सर, मत बोलिएगा कि क्यों नहीं पता। इसे पकड़िए, मैं दिखाता हूँ आपको। मैं वहाँ दो बार गया था, पहली बार बस ऐसे ही गया था। बस बस हो गया, और किया तो भगा दूंगा। सॉरी सर, माफी चाहता हूँ। अच्छा सुनो, क्या चीज है वो, मतलब क्लब 17, आखिर ये जगह क्या है? क्लब 70 अमीरों की अय्याशी की जगह, वहाँ बड़ी बड़ी हस्तियाँ आती हैं और वहाँ पे अय्याशी करती हैं। ये उस लड़की के हाथ में था, देखिए। ओ, खुद को मारना चाहता है पर डरा हुआ है। पापा मैं पैसे तुम क्या देख रहे हो? प्लीज पापा। ये देखिए सर, नीचे आओ। तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? वो इतनी छोटी नहीं है, वो एक मिसाल है हमारे देश में जो आर्थिक असमानता बढ़ रही है उसकी। राजनेता स्कूल के दूध पर भी राजनीति कर सकता है, बच्चों के लिए दूध नहीं है इसीलिए वो परेशान है। अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। मैं ये और नहीं सुन सकती हूँ, छोटी छोटी छोटी। भले ही तुम्हारी बेटी मेरी तरह छोटे कद की नहीं है पर मेरे पिता ने कभी भी खुद को मारने की कोशिश नहीं की। तुम एक बेवकूफ हो। रुको रुको रुको, क्या गलत है अगर मैं छोटी हाइट की हूँ? क्या गलत है इसमें अगर मैं छोटे हाइट की हूँ? क्या गलत है, बोलो क्या गलत है इसमें? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। ए, सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, रुक जाओ रुक जाओ। इसची, क्या तुम्हें पता है कि तुमने क्या गलती की है? जंगलियों की तरह बर्ताव कर रही हो तुम, और वो भी इस लाइव प्रोग्राम में। लेकिन डायरेक्टर, मुझे ऐसा लगता है कि पागलपंती और गुस्से की वजह से उस आदमी की जान बची है। हमें खुश होना चाहिए और उसे प्रोत्साहित करना चाहिए और उसे एंकरेज भी करना चाहिए, नहीं तो हमें दुर्घटना सुननी पड़ती। ठीक कहा ना सर मैंने? और वैसे भी हमने कितनी अच्छी कहानी सुनाई ना। ये दोबारा नहीं होना चाहिए। और एक बात, मैं चाहता हूँ कि तुम और तुम्हारी टीम एक स्पेशल केस हैंडल करे। क्या सच में? दरअसल मैंने उनके बारे में सोचा था कि उन लोगों को भी मीटिंग में शामिल करूं। वो लोग प्रवासी मजदूर हैं और आपको पता है LGBT लॉ, खोंग रिवर डैम के रास्ते। बस रुकिए, एक और टॉपिक है स्कूल। बिल्कुल सही कहा, जिस न्यूज की तुम बात कर रही हो वो पहले ही किसी ने कवर कर लिया है और मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ हटकर सोचो हमारे नए प्रोग्राम के लिए। और एक बात, बोट का एक नया नाम रख दिया गया है और वो है खाई खायम, यम खाओ खोन, खोन खाओ खेम। खाई खायम, यम खाओ कौन, कौन खाओ खेम। बस बहुत हो गया, ठीक है। खाई खायम, यम खाओ कौन, कौन खाओ खेम। क्या है ये प्रोग्राम जिसका नाम इतना बड़ा है, जैसे लगता है कोई फिल्म है जिसमें इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। तुम चिल्ला क्यों रही हो? उसने सुन लिया तो तुम्हारी खैर नहीं। ये दिखाओ, तुम्हारे माथे पर कुछ है क्या? तुम कह क्या रहे हो? आपका स्वागत है साई मय युग में। इससे पहले भी हमने मिस्टर फा का इंटरव्यू किया था और इस जांच में काफी मेहनत कर रहे हैं साई मय युग प्यार पर। क्या मैं जान सकती हूँ मिस्टर फा, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? ये पैट करूंगा ना, वो तो तुम्हारी इंटर्न थी ना, उसे खुद का एक प्रोग्राम मिल गया है। शायद हम केस के बारे में बात कर रहे थे। माफिया डीलर, उसके बारे में तो सब बात करते हैं, हम वो बात करते हैं जिसके बारे में किसी को पता नहीं और वो बात मजेदार भी हो। तो कौन थी वो जिन्हें आप यूनिवर्सिटी के टाइम पसंद करते थे? कौन थी जिसे आप यूनिवर्सिटी के टाइम पे पसंद करती थी? कौन ये है?
मिस्टर फाइव उसने तुम्हें छोड़ दिया क्योंकि उसके पास टाइम नहीं था और तुमने शायद उसको किसी और के साथ भी देख लिया था। इनका फोटो भी जलाना चाहती थी लेकिन जला नहीं पाई। अच्छा सुनो, क्या तुम्हें किसी ने ये कहा कि तुम बहुत टांग अड़ाते हो जिसकी वजह से तुम्हें तकलीफ हो सकती है? ओह, मैं उठा देता हूँ। इट्स ओके। मैंने उठा लिया। हे भगवान, सेक्सी तरीके से पैन कैसे उठाए, ये तुम भी कर सकती हो। तुम्हें चुप रहो, कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। साईमई के जाने का वक्त आ गया है, अब हम आप सबसे विदा लेते हैं। थैंक यू मिस्टर फा। कुछ और पूछना रहा तो क्या मैं आपको बैक स्टेज कॉन्टेक्ट कर सकती हूँ? प्लीज अपना नंबर दे दीजिए। ठीक है, मैं दे दूंगा। थैंक यू सो मच। ओके, बहुत अच्छे। अब तक का बेस्ट न्यूज प्रोग्राम ये हमारे चैनल पर। अब हम ये दिखाएंगे कि क्या गिर रहा है और एमसी कैसे उठा रही है। अगर ऐसा है तो मैं भी ये कर सकती हूँ। मिस जी, सवाल ये नहीं कि तुम क्या कर सकती हो और क्या नहीं, सवाल ये है कि तुमने अपना काम कितनी अच्छी तरह से किया है। मुझे लगता है कि तुम्हें अपना वक्त कुछ नया और अलग करने में लगाना चाहिए, नहीं तो कल कोई नया स्टार आ जाएगा, वो तुम्हारी जगह ले लेगा। मेरी बात समझ में आई? शिशु, ओह, तुम वहीं रुक जाओ। हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे सिर्फ ची बुलाना, शिशु कुत्ता होता है। चलो बोलो क्या हुआ। हाँ, तुम मुझे याद हो, तभी तो बात कर रहा हूँ। क्या बात करनी है? एक जरूरी बात करनी थी। क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे ऑफिस आ सकती हो? दरअसल मैं बिजी हूं, पर मैं कोशिश करूंगी। थैंक यू। तो क्या हम अभी चल सकते हैं? ठीक है। तो ठीक है, चलते हैं। एक्सक्यूज मी। पैन उठाने का तरीका बहुत ही अच्छा। क्या कहा? किसी ने इस लाश के बारे में बताया, पता चला है कि आइडल क्लब में काम करती थी। वो लगता है कि इसमें कुछ क्लब के बड़े लोगों का हाथ है और किसी न्यूज चैनल में भी इसे दिखा नहीं, थोड़ा अजीब है। तुम्हें नहीं लगता ये थोड़ी अजीब बात है, है ना? तो ये बात तुम मुझे क्यों बता रहे हो? अच्छा, एक बात बताऊं, मैंने सुना है कि तुम कुछ हटकर काम करना चाहती हो, हो सकता है कि तुम्हारे लिए यही वो काम हो। वो कैसे? एक्चुअली मैं चाहता हूं कि तुम क्लब में चुपचाप घुस जाओ, मूर्ति का भेस बनकर वहां सबूत इकट्ठा करो, सभी बड़े लोगों के कनेक्शन ढूंढो ताकि हम ओनर तक पहुंच सकें और उसे गिरफ्तार कर सकें। अगर मैं इस केस को सॉल्व कर पाया तो तुम्हारा भी नाम होगा। क्या ऐसा करने से मुझे खतरा नहीं होगा? मैंने इसके बारे में पहले ही सोच लिया है। देखने में तो ये एक मामूली क्लब लगता है, लेकिन ये यहाँ रोज आने वालों की सेवा करता है। लेकिन आप जरा ध्यान से देखेंगी तो ये दूसरों की तुलना में अधिक सुरक्षित है। लेकिन चार लोग हैं जिससे तुम्हें बहुत बचकर रहना होगा। पहला है कैम, दूसरा है गोर, तीसरा है जा, चौथा है जो क्लब को कंट्रोल करता है, यमदा। थाई, स्पेनिश, जापानीज, भारतीय लेबनानी व्यक्ति है वो। खतरनाक लोगों के बीच अपने आप को सुरक्षित बनाने के लिए और जहां खतरा छुपा हुआ है तुम्हें वहां सुरक्षित रहकर ट्रेनिंग दी जाएगी।
शी। यस। इस हार में एक छोटा सा कैमरा है। अच्छा। मैं चाहता हूं तुम इसे पहनो। रुको, मैं पहना देता हूं। हो गया। और ये इयररिंग्स रेडियो कम्युनिकेटिव डिवाइस है। कुछ बोलो। ये बहुत बेकार है, ये बहुत बेकार है। ठीक है, सुनाई दे रहा है। ग्रेट। ठीक है, मैं इसे रख लेती हूँ। जी, संभल कर अपना ध्यान रखना, तुम्हें मिशन पूरा करना है। अच्छा जी, याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें कभी भी खतरे में नहीं पड़ने दूंगा, ओके? थैंक यू फा। ओह, ये वो बो है जो उसकी बॉडी पर मिला था। मैं चाहता हूं कि तुम इसकी तस्वीर खींच लो। ठीक है, मैं चाहता हूं कि तुम पता करो कि ये विक्टिम क्या कहना चाहती है। मुझे लगता है कि बाकी चीजें हमें क्लब में ही मिलेंगी। ठीक है। अपना ध्यान रखना। हाँ, जरूर। ओके जी। हाँ। हे फा, तुम क्या कर रहे हो? एक्चुअली तुम्हारे गालों पर कुछ लगा था, अच्छा हुआ मैंने देख लिया। अपना ध्यान रखना। हाँ। मैंने ची को उस क्लब में जाते हुए देखा था, तुमने उसे वहां क्यों भेजा? तुम्हारी दोस्त हमारा एक मिशन कर रही है। हमें शक है कि ये क्लब में मिस चॉपनुच काम करती थी और हो सकता है कि ये उसकी मौत का कारण हो। इसीलिए तुमने वहां पे भेजा? क्या तुम्हें कोई खतरा नहीं लगता? और वो डॉग की तरह दिखती है, लेकिन डॉग को गोली मारोगे तो वो मर जाएगा। अच्छा सुनो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ची मेरी सुरक्षा में है, मेरा भरोसा रखो, वो 100% सेफ है। तुम उसे बाहर लाओ अभी के अभी। हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ, पर मेरी बात सुनो, ची और मैंने ये साथ में प्लान किया है। वो फेमस होना चाहती है और मुझे अपराधी चाहिए, किसी ने कोई जबरदस्ती नहीं की है। अब तुम भी शांत हो जाओ, तुम्हें सिर्फ उसे प्रोत्साहित करना है, तो बस उसे सपोर्ट करो। ऑफिस में सबको इन्फॉर्म कर दो कि ची एक बहुत बड़े मिशन पर है। Excuse me. माफ कीजिएगा, सिर्फ कोशिश करने वालों को सफलता मिलती है, लेकिन जो मेहनत नहीं करना चाहते, जो शॉर्टकट ढूंढते हैं सफलता के लिए, उन्हें सजा दी जाए, चाहे कुछ भी करना पड़े। ये मत सर, प्लीज मुझे तकलीफ मत पहुंचाइए। हाँ, वीआईपी कमरे से लेकर पेपर क्लिप तक के पैसे में घोटाला करते हैं, कचरे का बैग भी, और तुमने मेरा आइसक्रीम भी खा लिया, बड़े प्यार से मंगाई थी मैंने।
अब तुम्हारी उंगली काम नहीं करेगी, अब तुम उसे कुछ चुरा नहीं सकते, क्योंकि अब मैं उसे तुमसे छीनने जा रहा हूँ। बॉस, डॉक्टर ने कहा है रियो को कुछ दिन और हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। तो इसकी उंगली घुसने से उसकी आंखें सूजी हुई हैं और उसकी हालत बहुत खराब है। तुम्हें एक नया मेकअप आर्टिस्ट चाहिए क्या? हाँ हाँ, ठीक है, तो फिर आप बताइए, आइडल के लिए आई हो? हाँ। लास्ट में जो तीन लड़कियां हैं वो सुंदर हैं, गाती अच्छा है, डांस अच्छा करती हैं, लेकिन मैंने किसी को नहीं चुना। यामाडा को जिद्दी लोग पसंद नहीं है, निकलो वहां से। फिर तो आपने मेरी उम्मीद तोड़ दी। रुको रुको रुको, वहीं घूम जाओ। इस क्लब में तुम्हारी तरह कोई नहीं है, तुम सबसे अलग हो। सुंदर लड़की हूं ना? सुंदर लेकिन छोटी। तुम्हारा कद छोटा है लेकिन तुम हो बहुत मजेदार। अच्छा लगा मुझे, हमारे पास बहुत सारे कस्टमर्स हैं। तो अब तुम्हारा नाम जुलाई है। जुलाई, तुम्हारा स्वागत है क्लब 17 में। क्या हुआ? उठ जाओ और नाचो जब तक मैं खुश नहीं हो जाता। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि आइडियल बनना इतना कठिन है। तुमको क्या लगता है? It's okay. मेरा नाम कृति है, साकनो कौन से हूँ। मैं एक गरीब परिवार से हूँ, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। ये पैसे अच्छा देते हैं। हेलो, आई एम बाइटोए। इससे पहले मैं एक बहुत अच्छी सिंगर थी। मैं हमेशा से एक बड़ी म्यूजिक कंपनी में काम करना चाहती थी, लेकिन वो कंपनी वाले मुझे वहाँ काम करने का मौका नहीं दिया। चलो, तुम खूबसूरत हो। मैं एक हूँ, मुझे अच्छा लगता है जब लोग मुझ पर चिल्लाते हैं। मुझे उन लोगों को ऐसे देखकर बहुत खुशी मिलती है। हे सुनो, मुझे लगता है कि तुम्हारा चेहरा जाना पहचाना है। वैसे मैं आइडियल बनना चाहती हूँ ताकि मुझे पूरी दुनिया याद रखे। मैं तो बहुत फेमस भी नहीं हूँ, लेकिन तुम लोग कह सकते हो कि मेरा चेहरा जाना पहचाना है। तुम लोगों को क्या लगता है? मेरा मानना यह है कि तुम्हें आइडल नहीं जोकर होना चाहिए। तुम बहुत मजाकिया हो, तुम्हें तो वीआईपी में जल्दी एंट्री मिल जाएगी। वीआईपी कमरा? क्या वो अंधेरे वाला कमरा है? हाँ, दरअसल बॉस एक ही को सेलेक्ट करेंगे जो उस कमरे में परफॉर्म कर सकता है। लेकिन इससे पहले सिलेक्शन पास करें, हमें तब तक डांस प्रैक्टिस करना है जब तक हम परफेक्ट ना हो जाएं। और एक बार ऐसा हो गया ना तो जिंदगी आसान हो जाएगी। सही कहा ना? एक मिनट, ये देखो, ये वही है, ये अब भी अपने सोशल मीडिया को अपडेट कर रही है। इसने लास्ट फोटो कल ही डाला है, देखो। उसकी जिंदगी अच्छी है, हम भी वहाँ होंगे जब हम भी अच्छा कमाएंगे। हाँ। मुझे तो फूजी माउंटेन भी जाना है। हे, मुझे फोटो भी लेना है।
मैं यहाँ कभी नहीं गई। मुझे यहाँ से क्यूट कपड़े भी खरीदने हैं। हाँ फा, इन लड़कियों को नहीं पता कि जुलाई मर गई है। कितनी अजीब बात है। हाँ अजीब तो है। मुझे लगता है यामाडे ने इन लड़कियों को बेवकूफ बनाया है जापान की उस ट्रिप के बहाने। ये ऐसे ही झांसा देता है। अच्छा ची, उस बो का क्या हुआ? मुझे अभी तक ये पूछने का मौका नहीं मिला है। कोई बात नहीं, इतना काफी है। अपना ध्यान रखना ची। ठीक है फा, जब मुझे कुछ सुराग मिल जाएगा तो मैं तुम्हें रिपोर्ट करूंगी। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट फा। ची, मुझे माफ कर दो कि मैंने बहुत पहले तुम्हारा दिल तोड़ा था। वैसे अब मैंने अपना इरादा बदल दिया है। क्या तुम्हें ये तोहफा याद है? मुझे तुम्हारे साथ बच्चे चाहिए। मुझे पूरे 8 बच्चे चाहिए। हम एक बड़ा परिवार बनाएंगे। ची, ची उठ जाओ। अभी नहीं। मैंने कहा उठ जाओ। अभी नहीं। ची कहा ना उठ जाओ। मैं उठ ही रही थी। चलो ये ठीक ही था। ए सुनो, क्या था? मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है। ठीक है, आ रही हूँ। जितनी हो सके उतना जल्दी आओ, ज्यादा सोने से लंबी नहीं हो जाओगी। अरे जून तो सिर्फ 16 साल की है। जाकर उसके असली पहचान ढूंढो। ओह जरूर सर, मैं उसे अच्छे से ढूंढूंगा। बॉस, ओ मुझे लगा कि आप चेंग माई की तरफ फ्लाई कर चुके हो। कुछ चीजें साफ करनी होगी। क्या है वो? अब तुम्हें क्लब 17 पर हर जांच बंद कर देनी चाहिए। और भी बहुत सारे केसेस हैं। बेहतर होगा कि उन्हें देखो। क्यों, क्या हुआ? मेरे पास समझाने के लिए वक्त नहीं है। बस जितना कहा गया है करो। हेलो प्रिंग, तुमने आर्ट्स की पढ़ाई की है ना? हाँ। ये मेरा पोर्टफोलियो है, जापान यूनिवर्सिटी में मेकअप की पढ़ाई की थी। अच्छा बताओ, तुम्हारे पास सुंदरता के बारे में कुछ है? आप दूसरे पेज पे देख सकते हैं। पर तुम्हें मेरा पोर्टफोलियो चाहिए क्यों? क्लब ची मिशन के लिए ना? Well, इस वक्त मेरा बॉस नहीं चाहता कि मैं इस केस को सॉल्व करूं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, इसलिए आप मुझे किसी असिस्टेंट की जरूरत है और वो तुम हो। अब तुम ये मत कहना कि मेकअप आर्टिस्ट बनके मैं वहां घुस जाऊं। नाम क्या है? ये प्रीव है। मेकअप आर्टिस्ट हो गया? हाँ, पर इस आदमी को तो तुम सुंदर बनाओगे ना? ये क्या है? ये फाउंडेशन है। हाँ माफ करना, ये बहुत ही आसान होता होगा ना तुम्हारे लिए। थोड़ी देर के लिए शांत रहो ना। वार्म, ओके, फोकस करना है काम में, ठीक है? हो गया। क्या मैं जॉब पक्की समझू? ए पू, पू बाय मुड़ो। सही है, तुम्हें पति जरूर मिलेगा। बहुत अच्छे, अब शुरू कर सकते हैं। ओके, ठीक है।
तुम वही बोतल तोड़ने वाले हो ना? सिर्फ बोतल ही नहीं। ओ अच्छा, मैं सब कुछ तोड़ता हूँ। ओह गॉड। शाबाश, प्रैक्टिस करते रहो। एक बार तुम माहिर हो गई तो बॉस तुम्हें वीआईपी कमरे में बुलाएंगे। मेरी बातें याद रखना, ठीक है? ए छोटी, तुम्हें क्या चाहिए? तुम खड़ी रहो बैठी रहो फर्क नहीं पड़ता। ओ, मुझे ये पूछना था कि वो भाव क्या है, अगर मैं सेलेक्ट नहीं हुई तो? वो ना, वो बो उसी को मिलता है जो सिलेक्ट होता है वीआईपी रूम में परफॉर्म करने के लिए, समझ गई? कोई और तरीका है अंदर जाने का? जैसे अंदर जाने का? तुम नहीं जा सकते पगली। जो भी अंदर जाता है ना, उसे एक सेंसर से गुजरना पड़ता है, फिंगरप्रिंट स्कैन। वो उसी के पास होता है जिस पे बॉस भरोसा करता है, जैसे कि मैं। बॉस मेरे पे बहुत ही ज्यादा भरोसा करते हैं। कौर, जार, टोए, रियो और पुराने मेकअप आर्टिस्ट पे भी। क्या वो रूम निगरानी में है? अभी वैसे भी आधी रात बाकी है, तो ज्यादा पूछो मत। और वैसे भी इतने सारे सवाल क्यों कर रही हो? अच्छा, हमें एक गोल चाहिए है ना? मुझे अपने सपने को सच करने के लिए एक जानकारी चाहिए। जैसे तुम आजाद हो। प्रैक्टिस करते रहो उनके तरह, पूछने से कुछ भी नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है सभी लोग, मैं चाहता हूँ कि तुम सब आज की रात मेकअप लगा के परफॉर्म करो। सबको कुछ ना कुछ करने को मिलेगा, ठीक है? और ये है प्रिया, नया मेकअप आर्टिस्ट। अब सब लोग सुनिए, कपड़े पहनकर मेकअप करवा लीजिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या कर रही हो तुम। मैं यहाँ से हिल नहीं सकती, ठीक है? और सुनो, क्या खुसर फुसर कर रही हो? हाँ, कुछ तो बोलो। मुंह में क्या है तुम्हारे? कपड़े पहन के मेकअप करो। तुम यहाँ पर कैसे आए? फा ने मुझे भेजा है। क्या उसे मेरी परवाह है? उसे काम की परवाह है और मुझे तुम्हारी, मतलब कि तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। मुझे वीआईपी रूम में जाना है, मेरी मदद करोगे? मैं कैसे कर सकता हूँ? मुझे लगता है कोर तुम्हें पसंद करता है और हमें अंदर जाने के लिए उसका फिंगरप्रिंट चाहिए। क्या तुम मुझे रूम में लेकर चल सकते हो? क्या सिर्फ उसी का? जिसका भी हो जो अंदर का दरवाजा खोल सके। यमदा, कोर, जा, किंग या फिर पुराने मेकअप आर्टिस्ट जिसकी उंगलियां काट दी गई थी। क्या किसी की उंगलियां काट दी थी? अरे तुम दोनों यहाँ पर क्या बातें कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं, कुछ है नहीं। हो गया। सच में तुम बहुत ही शॉर्ट हो। हे फा, क्या तुम सुन रहे हो? हे फा, फा क्या तुम सुन रहे हो? मुझे तुम्हें बताना है कि वो रेड बाव क्या है। जी मैं हूँ। क्या प्रियंग, लेकिन तुमने फोन क्यों रिसीव किया? कुछ समय के लिए तुमसे बात करना नहीं चाहता। तुम मुझसे बात कर सकती हो? मैं उसे रिपोर्ट दूंगी कि केस कहां तक पहुंचा है। हे सुनो, तुमने ये मुसीबत उठाई है उसकी वजह से, ठीक है? तुम दोनों एक साथ पढ़ते थे और तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था। हे हे हे, मैं यहाँ एक मिशन पर आई हूँ। उसने हमेशा मेरी मदद की है और अगर मुझे कुछ हो गया तो चिंता मत करना मेरी, ठीक है? बस इतना ही। जी रुको, जी। ए, ए प्रियो, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? बस अकेले बैठने का मन करता है। अगर ऐसा है तो ये बंदा तुम्हारा अकेलापन दूर कर देगा। मेरे साथ मोनोपोली गेम खेलना चाहते हो? मुझे डर लगता है, मुझे ऐसा नहीं करना। अगर किसी ने हमें देख लिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर ऐसा है तो हम कहाँ जाएंगे? मैं
अपने बेडरूम में अकेला नहीं सोना चाहता और किराए का भी नहीं ले सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन इस पब में एक सीक्रेट रूम है जिसे कहते हैं वीआईपी रूम। अगर तुम चाहो तो हम जाके वहीं पे खेल सकते हैं। तो वीआईपी हम नहीं जा सकते हैं ना? ये बहुत बुरा होगा ना? क्यों? क्यों हम नहीं जा सकते? क्या वहां पे भूत है? ठीक है ना, मतलब ना, तो मुझे भी नहीं खेलना ये वीआईपी वाला खेल। ठीक है हाँ, मैं खाना खाने जा रहा हूँ, बाय। ऐसे जाओ मत, पहले मेरी बात तो सुनो। प्रियो, 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 मैं तुम्हें अच्छी आइसक्रीम खिलाऊंगा, सुनो। सच मानो ये बहुत ही टेस्टी है, चक्कर तो देखो। वाव, मैं अभी चम्मच लेकर आता हूँ, तब तक पसंद कर लो तुम्हें कौन सी वाली चाहिए। ठीक है, मुझे लाइम चाहिए क्योंकि खट्टा पसंद है, जैसे कि तुम हो प्रिय। ढीला कहीं का इडियट। मैंगो फिंगर, शिट, ये रहा चम्मच। और मुझे लगता है कि यह आइसक्रीम मुझे बाद में खानी चाहिए, अलग जगह जाकर। ऐसे ही रहने दो वरना ये मेल्ट हो जाएगा, कल हम इसे साथ में खा लेंगे ना। मुझे गरम और पिघलाना अच्छा लगता है, वो बहुत ही टेस्टी होती है, और तुम ट्राई कर लेना इसे। अच्छा, तो मेरे साथ खाना नहीं खाते? नहीं 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 नहीं, बाय। अफसोस की बात है। क्या, क्या तुम्हें फिंगर मिल गया? ज्यादा चिल्लाओ मत, समझी? अरे मुझे उसके फिल्म बारे के पागल कैरेक्टर के जैसा बिहेव मत करो। तुमने मुझसे कहा था कि किसी की उंगली काटी जाती है, शायद ये किसी की उंगली काटी गई है, मैंने उसे रखा है, हम बाद में वीआईपी में जाके देख सकते हैं। अगर हम आज रात 1 बजे वीआईपी रूम में मिले तो? ओके। अरे चलो मुझे उंगली दिखाओ। ओ, मैंने उसे अंदर रखा है। अरे वो लिपस्टिक है। तुमने बिल्ली जैसा क्यों चिल्लाया? कुछ भी तो नहीं। वाओ, तुम्हारी नेल्स कितने सुंदर हैं। तुमने ये कहाँ से करवाए? मैंने मिस जिम लमसूरी से लिया था। जल्दी करो, ठीक है? प्यारा है। मुझे एक बात बताओ, तुमने उस फिंगर को मेरे लिप्स से क्यों टच किया? मुझे माफ कर देना, लाओ फिर से, मैं लगा देता हूँ। क्या तुम्हें किसी ने देखा? हाँ? क्या तुम्हें किसी ने देखा? क्या तुम्हें किसी ने देखा? क्या? क्या? क्या तुम्हें किसी ने देखा? मैं तुमसे पूछ रही हूँ। मदद करो ना, खोलो इसे। देखो, मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि क्या तुमको किसी ने देखा? नहीं, मुझे किसी ने नहीं देखा। क्या तुम फिंगर लाए? ओ, हाँ हाँ। अच्छा, ये सच में यहाँ है? पक्का वाला? जल्दी करो, चलो अंदर। तुम्हें बॉस को बताना पड़ेगा। किसके लिए?
ब्रो, मुझे तुम्हारे सीक्रेट्स पता है। तुम वो मेकअप आर्टिस्ट के साथ फ्लर्ट कर रहे थे ना? सुनो। नहीं, तुम सुनो। एनीवे, हम यहाँ पे दिन में क्यों नहीं आ सकते वो बताओ ना। रात में ये बहुत ही ज्यादा डरावना दिखता है। तुमने ठीक कहा, यानी जुलाई हमें धोखा दे रही है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मुझे लगता है तुम्हें उसका नाम नहीं लेना चाहिए। हो सकता है वो यहीं इस रूम में कहीं हो। ये तो अभी एक शुरुआत है। वैसे तुम्हारी कहानी किसके लिए है? जल्दी ढूंढो उसे, निकलना है यहाँ से। चलो चलो, काम पे लगो। लगता है बड़ा मजा आएगा। मुझे बताओ, अंगूठी कैसी थी? अंगूठी ये असली है? प्लेटिनम से बनी हुई। मुझे मिल गई। क्या तुम्हें सच में कुछ मिला? ये चमक रही है। चलो बाहर जाकर देखते हैं, यहाँ पर डर लग रहा है। कोई हमें देख ले, इससे पहले यहाँ से निकल चलो। हाँ चलो। हाँ, लेकिन तू जाके बॉस को मत बता देना, ठीक है? मैं नहीं बताऊंगा, पर तुम भी किसी को मत बताना। जैसा कि मुझे लगा था, जुलाई की मौत की वजह ये कमरा है। उन लोगों ने कहा था कि सब कुछ ऐसे ही शुरू होता है। इस रूम का यूज टॉर्चर रूम की तरह किया जाता है। अच्छा, तो ये क्या है? कैमरा है। कल इस कमरे में एक इवेंट होगा। कल डायरेक्टर आएंगे। मैं फा को कॉल करूंगी। आज मैं बहुत खुश हूँ। हम विप के रूम में जा रहे हैं। हाँ, हाँ, मुझे अफसोस हो रहा है कि जुलाई नहीं आ सकती। हाँ, लेकिन ये अच्छा ही हुआ, वो आराम कर सकती है दिन भर के प्रैक्टिस के बाद। अच्छा ठीक है, मुझे मजा आ रहा है। हे फा, तो कैसा चल रहा है? ठीक है, तो कोई मुझे बताएगा कि हम क्या देखने वाले हैं? हाँ फ्रैंक, क्या तुम तैयार हो? यहाँ पर है, इसे प्ले करो प्लीज। ओके। सब तैयार हैं? तैयार। एक इंपॉर्टेंट सेरेमनी शुरू होने जा रहा है। ये आदमी, रुक जाओ। नहीं, ये क्या? नहीं, प्लीज आखिरी तक देखिए, उसके बाद कुछ बोलिए। तो अब शुरू होता है एक मंथली बैलून स्टेपिंग गेम। तुम सब तैयार हो? शुरू करते हैं। आजा आजा आजा। तो जो आखिरी में बचेगा उसे इनाम मिलेगा। तो सब शुरू हो जाओ और आज की शाम को एंजॉय करो। ठीक है, तो सुनो, मुझे वो टेप चाहिए जो रात में लगाना है। ये क्या मजाक है? बच्चों के खेल के साथ आइडल क्लब चलने का इरादा क्या है मिस्टर यामदा? मुझे लगता है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी जिंदगी में तनाव बढ़ता जाता है, तो काम के बाद हमें कुछ आरामदायक करना होता है ताकि हम फिर से बच्चों की तरह जी सकें। इसलिए मैं गेम चुनता हूँ, जैसे कि म्यूजिक चेयर, कैच एंड थ्रो, बैलून स्टेपिंग, जो हमें बचपन में ले जाती है। ओह, बहुत खूब, सुनकर काफी अच्छा लगा। मिस जी, एक हफ्ते से तुम ऑफिस से गायब हो, उस न्यूज के लिए जो हमारे पास पहले से है। सुनो, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हें ये कैसे पता होगा? तुम तो यहाँ पर थी ही नहीं। तुम्हें कैसे पता होगा कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं? और तुम भी प्रियंक, तुमने भी अपने दोस्त के लिए छुट्टी ले ली? मैं इन दोनों के लिए माफी चाहता हूँ। एक्चुअली ये मेरा प्लान था। मिस्टर फा, मैं आपका फैन हूँ क्योंकि आप हमारे प्रोग्राम पर आए, पर देखो आपने क्या किया है। आपने एक हफ्ते के लिए मेरे स्टाफ को गायब कर दिया इस फालतू काम के लिए।
जी मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं फा, मुझे नहीं पता था कि कुछ ऐसा हो जाएगा। ओके छोड़ो, तुम्हें वहां वापस जाने की जरूरत नहीं है। वहां पर मैंने बहुत सारे सबूत छोड़ दिए हैं, मुझे वापस जाना होगा, नहीं तो वो तुम्हारा पीछा करने लगेंगे। तुमने बहुत अच्छा काम किया। मुझे लगा मैंने सब बर्बाद कर दिया। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। अगर मैंने सही किया होगा तो बॉस बहुत खुश हो जाएगा और मुझे प्रमोशन दे देगा, और सबसे बड़ी बात फा को मुझसे प्यार हो जाएगा। और ये देखो, हम इस छोटे से कमरे में फंस गए हैं, बुरा लग रहा है। क्या यह सच में अच्छा है? मेरे साथ रहने में गलत क्या है बताओ? मैं तुम्हारा फा नहीं हूं जो तुमसे बकवास चीजें करवाऊंगा और तुम कभी गुस्सा भी नहीं होती। मैं सच कह रहा हूं, तुम्हारे लिए मैं हमेशा से गलत था ना। क्या तुम पागलपंती बंद करोगे? पागल कौन हो रहा है? क्या तुम थोड़ी देर के लिए चुप हो सकते हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमने आज बहुत मस्ती की उस कमरे में, तुम्हें आना चाहिए था। हाँ हाँ, वो लोग वास्तव में बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत अच्छा व्यवहार किया। अरे अब बोल भी दो। हे देखो, आज की मैं विनर हूँ, ब्रांच की रिप्रेजेंटेटिव गेस्ट ने मुझे चुना है और मैं जापान जा रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। चलो प्रैक्टिस करते हैं। 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4। मैंने सुना है कि आपके क्लब में मेहमानों के लिए एक फोटो जोन है, क्या मैं सही कह रही हूँ? आपने सही कहा, मैं यही कहना चाहता था। मुझे गर्व है इस बात का, ये एक रियल जापानी जोन है। अरे एब्रश, क्या तुम जाग रही हो? हाँ, तुम कहाँ जा रही हो? मेरी 4 बजे की फ्लाइट है। क्या तुम अपने दोस्तों को अलविदा नहीं कहोगी? सर नहीं चाहते कि मैं उन लोगों से मिलके जाऊँ, सब उदास हो जाएंगे ना। बट डोंट वरी, मैंने तुम सबके लिए एक लेटर लिखा है जो मैं तुम्हें दे रही हूँ। तुम उदास मत हो, मुझे तुम पे भरोसा है कि तुम एक दिन जरूर चमकोगी। अब मेरा टाइम हो गया, मैं चलती हूँ। ओके बाय, ख्याल रखना। मैंने सुना है कि आपके क्लब में मेहमानों के लिए एक फोटो जोन है, क्या मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल सही कहा, मैं यही कहना चाहता था। मुझे गर्व है इस बात का, ये एक रियल जापानी जोन है। फूजी पर्वत, शिंजुकु, बिल्कुल जापानी महल की तरह। मैं जरूर जाना चाहूँगी। क्या आप कभी आई हैं? तुम्हारा क्या है, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? चलो मेरे और साई माय यंग के साथ। शिंजुकु, जापानी महल। जब तक हम इसमें अच्छे नहीं हो जाते, हमें रेगुलर प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जुलाई की तरह तुम्हारे लिए भी सब आसान हो जाएगा जब तुम पास हो जाओगी। जो अभी जापान में रहती है, लेटेस्ट फोटो कल ही पोस्ट की गई थी। जब तुम अच्छे होते हो तो तुम्हारा जीवन भी अच्छा होता है। ये वो है जो बॉडी पर मिला था। मैं तुमसे चाहता हूँ कि ये पता करो कि वो आखिर हमें क्या बताना चाहती थी।
देखो आज की मैं विनर हूँ। ब्रांच की रिप्रेजेंटेटिव गेस्ट ने मुझे चुना है और मैं जापान जा रही हूँ। ये तो वही सेम जगह है। अप्रैल खतरे में है। नहीं चलो, नहीं चलो यहाँ से। तुम्हें लगता है कि तुम एक गाइड हो? प्लीज मुझे जाने दो। नहीं आज बचियो अपने आप को। नो नहीं, गलतफहमी है तुम्हारी। महज एक वस्तु हो जो अमीरों को इनाम में मिलती है। मुझे ये नहीं बनना है। मुझे गाना गाना है। तुम्हारी जिंदगी में और एक शुलाई की जिंदगी में कोई फर्क नहीं होगा। नहीं, अब इसे बॉस ही खोलेंगे। चाबी, कहाँ जा रही हो? मुझे गुस्सा आ रहा है। तुम जानती हो तुम्हें पहला पुरस्कार मिला है, तुम्हें गेस्ट के साथ जाना होगा और तुम जाओगी। नहीं, जा नहीं, रही नहीं, हो या नहीं? नहीं प्लीज मुझे कुछ मत करो। जाओगी कि नहीं? नहीं, नहीं। इधर आओ। कितना गुस्सा दिलाओगे तुम? मेरी तलवार लाओ। हेफा, मुझे सारे सबूत मिल गए हैं। तुम प्लीज यहाँ जल्दी आ जाओ। क्लब में जो आइडल है उसकी तस्करी की जा रही है। प्लीज तुम जल्दी यहाँ आ जाओ। एप्रिल, जल्दी बाहर आओ। मैं जुलाई हूँ। चलो जल्दी यहाँ से बाहर निकलते हैं। ये लोग मुझे जापान में भेजना चाहते थे। तेरा 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 दीवाना हूँ मैं, और तेरा 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 दीवाना हूँ मैं। ए, ये तुम्हारी छींकने की आवाज थी ना? हाँ मेरी ही थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे मोनोपोली गेम खेलनी है। क्यों नहीं, हम दोनों मिलकर खेल सकते हैं। ठीक है चलो खेलते हैं। चलो ना, मजा आएगा। मोनोपोली है? चलो तुम लाइक 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 कोड प्रेसिंग लाइक
जी संभल कर आराम से। थैंक यू सो मच जुलाई। कोई बात नहीं, अब तुम सुरक्षित हो, बस हॉस्पिटल चली जाओ। वाह, इस समाचार में दिखाए गए क्लब जैसा बिल्कुल नहीं है। ये तो बहुत बड़ी एक ह्यूमन ट्रैफिक का मार्केट है। और ये रहा सबूत, लेकिन अभी क्या तुम घायलों को अस्पताल ले जा सकते हो? इससे पहले उन्हें पता चल जाए मैं चुपचाप अंदर चली जाती हूँ। ओके, थैंक यू जी। जी, रुको, अपना ध्यान रखना। जरूर। तुमने उस लड़की को कैसे भागने दिया? ठीक है, जुलाई को वीआईपी में भेजो ताकि वो किसी को खुश कर सके। जाओ। एक बार इसे फिर से देख लेते हैं। यामाडा गैंग, तो ये यामाडा है, ये अब तुम्हारे फोल्डर में होना चाहिए। इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसके तीन मेन सपोर्टर हैं। पहला है कोर, दूसरा है केन, और आखिरी में है खतरनाक जा, द मोस्ट वांटेड वन। हाँ बोलो ची। हाँ फा, आज शाम को वीआईपी में एक पार्टी होगी, यमदा और वीआईपी मेहमान वहां पर आएंगे। ओके ची, मैं उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लूंगा। ठीक है, सब समझ में आ गया? क्या तुम लोग तैयार हो? यस सर। तो चलो। गुड इवनिंग जेंटलमैन, गुड इवनिंग, आप सबका स्वागत है हमारे क्लब 17 के पार्टी में। तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं? आइए मिलते हैं हमारे थ्री आइडल से। ए, जरा उस पीछे वाली को देखो, वो तो डांस ही नहीं कर रही। लायन, अंदर घुसो। कोई भागेगा नहीं, रुक जाओ, रुक जाओ। कोई यहां से भाग नहीं सकता। इंसाफ का छापा, सारे के सारे रुक जाओ जगह पे। रुक जाओ, नीचे बैठो। कोई नहीं निकलेगा, पकड़ो सबको। नीचे बैठो। ए चलो, आए यमदा गैंग उस तरफ से जा रही है। ठीक है, पीछा करो उनका। कम ऑन। कहाँ जा रही हो तुम? तुमसे मतलब? खैर, अगर ऐसा है तो क्या? परेशानी वाली बात है। मैं तुम्हारा पेट चीरूंगा। डरपोक चूहा हो तुम, टॉम टॉम बॉय। बचने के लिए भागो। रुक जाओ।
अरे मुझे क्यों मार रहे हो? तुम ऑर्डिनरी नहीं हो, तुम मुझे यहाँ पकड़ना चाहते थे। मैं तुम्हारी जिंदगी को नरक बना दूंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, समझे? ये कैसा रहेगा? चौंक गया ना? मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुमने उसे वहाँ क्यों भेजा? एक्चुअली बात यह है कि तुम्हारी दोस्त हमारे लिए मिशन कर रही है। और तुमने इस क्लब में भेजा उसे? ये बहुत ही डेंजर है। क्या उसे मेरी चिंता है? उसे काम की चिंता और मुझे तुम्हारी।
मुझे लगता है मैं बेकार हूँ। मुझे लगता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। लेकिन मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में बंद हो गई हूँ, क्या यह कोई अच्छी बात है? जी फिक्र मत करो, यामाडा गैंग को अरेस्ट कर लिया है। तुमने अच्छा काम किया। दरअसल ये क्लब लंबे समय से लड़कियों की तस्करी का धंधा कर रहा है और 40 से अधिक पीड़ित हैं। यमदा की गिरफ्तारी के बाद हम काई कयूम यम कौ कौन खू कौम खेल कार्यक्रम इस क्लब में शामिल लोगों का अनुसरण करने और उसकी रिपोर्ट करने का वादा करते हैं। आगे की खबर के लिए बने रहिए। बाची, इसे कहते हैं अच्छी और बड़ी खबर। अच्छा काम किया, चलते हैं। जी, एक्चुअली मुझे तुम्हारा शुक्रिया करना है मेरे लिए ये काम करने के लिए। अगर तुम नहीं होती तो ये मिशन कभी पूरा नहीं होता। मैं इस मौके के लिए तुम्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ। फा, क्या तुम्हें कुछ याद है? फा, हाँ, क्या तुम्हें एक और बात याद है? जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने एक बार तुमसे अपने प्यार का इजहार किया था। हाँ, याद है। वैसे मैं तुमसे कहना चाहती थी कि अभी भी मेरे अंदर फीलिंग्स हैं। मुझे लगा था मैं तुम्हें भूल जाऊंगी और मैं तुम्हें फिर कभी याद नहीं करूंगी, लेकिन जब से हम दोबारा मिले मेरा दिल जोर से धड़कने लगा और इस बार मुझे यकीन है कि मैं तुम्हें सच में पसंद करती हूं। वाह, हाँ बताओ ना। मैं अब भी तुम्हें अपनी बहन की तरह देखता हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ची, प्लीज मुझे माफ कर दो, अपना ध्यान रखो, ठीक है? क्या तुम ठीक हो?
ये बात तुम्हें अपने आप से पूछना चाहिए कि तुम ठीक हो या नहीं। तुम्हें ऐसे उदास नहीं देख सकता। क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? हाँ हो रही है, इसलिए यहां पर बैठा हूं। तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि फा को प्रमोशन मिल जाएगी इस केस के बाद? क्या तुम अब भी उसके बारे में सोच रही हो? क्या उसने तुम्हारा कभी ध्यान रखा है, तुम्हारे बारे में पूछा है? ये काम सिर्फ तुमने किया है, इससे बाहर निकल जाओ ना प्लीज। तुम मुझे समझते ही नहीं हो। हाँ मैं नहीं समझता, जैसे तुम मुझे नहीं समझती। मैं जानता हूं कि तुम मुझे जानती नहीं। क्या तुम जानती हो कि मैं क्या चाहता हूं? तुम्हें यह भी नहीं पता कि मुझे क्या पसंद है। तुम्हें तो मेरी पसंद नापसंद भी नहीं पता। लेकिन पहले मैंने तुम्हें दोस्त के अलावा कुछ और समझा ही नहीं। मुझे माफ करना। ऑफिस से कोई नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। वो चाहता है कि मैं डॉक्यूमेंट्री बनाऊं, और वो इस देश में भी नहीं है। अब मुझे जाना चाहिए, नए मौके की तलाश में हूं। जी, कंग्रेचुलेशंस, अब तुम एग्जीक्यूटिव टीम में हो। खैर,
मेरे पास अब एक पेज है, तुम चाहो तो उसे लाइक कर सकती हो। मैं इसे आज शाम को ही कर लूंगी। गुड जॉब, बाय। यहाँ तुम हमेशा मेरे लिए क्लमजी और छोटी ही रहोगी। तुम्हारा एक पैर अब भी तुम्हारे मुंह में है। फिर कैसा रहा नया साल? वैसे कुछ खास नहीं, जस्ट नॉर्मल। अरे नया साल, नया बदलाव। अच्छा तो तुम भी तो नहीं बदली। तब तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वही हूं? ऑल राइट, अब कुछ ही देर में नया साल शुरू होने वाला है। चलो सब लोग एक साथ काउंट करते हैं। 5, 4, 3, 2, 1, हैप्पी न्यू ईयर। क्या तुम मुझे पसंद करती हो?